नमस्कार दोस्तों, गजब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज देश में कोरोना वायरस के चलते हुए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बीच देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ी राहत दी, जिसके अंदर वृद्ध महिलाएं, बीपीएल परिवार आदि इसमें 1.70 करोड़ रुपये का जो ऐलान किया गया है उसका फ़ायदा उठा सकेंगे। जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 8.70 करोड़ किसानों को अप्रैल के पहले हफ्ते में 2000 रुपये की किस्त तथा दीनदयाल राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन योजना के तहत जमानत फ्री लोन दोगुना बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है तथा 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपये प्रतिमाह जमा होंगे। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए 2 किस्तों में 3 महीने के लिए अतिरिक्त 1000 रुपये जमा होंगे। उज्ज्वल स्कीम के अंतर्गत 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को अगले 3 महीने तक मुफ्त गैस मिलेगी। मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये रोजाना तथा अगले 3 महीने तक 3 करोड़ सीनियर सिटीजन, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1000 रुपये की सहायता राशि तथा 80 करोड़ गरीबों को पीडीएफ से अलग अगले 3 महीने तक गेहूं चावल मुफ्त। कोरोना से जंग लड़ने वाले कमांडो को 50,000 रुपये का लाइफ इंश्योरेंस। पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 25-75% जमा रकम या 3 महीने से वेतन को निकलवाने की सुविधा दी जा रही है। निर्मला सीतारमण जी ने 24 मार्च को भी कई ऐलान किए थे, जिसके अंतर्गत 3 महीने तक बैंक से पैसे या एटीएम से पैसे निकालने के जो चार्जेस थे उसको ख़त्म कर दिया है तथा जीरो जो मिनिमम बैलेंस होता है उसके चार्जेस भी 3 महीने के लिए हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही आयकर रिटर्न और तथा जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही। और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को भी साथ में दबाइए, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहें। धन्यवाद। We'll be right back.